पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं आप? हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, मनीष कश्यप भैया जल्दी जेल से बाहर आए इसलिए। ओके। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम बोलेंगे जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, और मनीष कश्यप भैया के लिए बोलेंगे जब तक मनीष कश्यप भैया जेल से निकलेंगे नहीं तब तक ऐसे ही हम चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसे प्रॉपर आप अपना एड्रेस बताते, क्या नाम है? मेरा नाम है राजकुमार महतो, मेरा घर हुआ रायगंज उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल। आप फैन हैं तो वीडियो में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाहर आएँ। ये देखिए कितने बड़े भक्त हैं जो बंगाल से चलकर मनीष कश्यप के लिए हरिद्वार के। नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद 27। अब भी हम उपस्थित हैं बिरौल के मुख्य सड़क पे। हमको एक धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे भक्त मिले हैं जो उसके लिए वो जान जी देने के लिए तैयार है, और दूसरी बात कि ये मनीष कश्यप के भी उतने ही फैन हैं। तो पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं आप? हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, मनीष कश्यप भैया जल्दी जेल से बाहर आए इसलिए। ओके। आपका ये तीसरा पैदल यात्रा है, कहाँ जाने वाले हैं? हम अभी जाएंगे केदारनाथ। केदारनाथ जाएंगे, क्यों जाएंगे? मनीष कश्यप भैया जल्दी जेल से रहा इसलिए। आप अपने लिए नहीं करते हैं यात्रा, मनीष भाई के लिए? देखिए, हम अपने लिए, मनीष कश्यप भैया ऐसे व्यक्ति है जो अपने लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, और उसका हम सपोर्ट करेंगे। जो सबके लिए सोचते हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे। मनीष कश्यप सच तक न्यूज के जो संस्थापक हैं उनके लिए ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो बिहार के बेउर जेल में जो तमिलनाडु कांड को लेकर हैं, वो जल्द से जल्द निकल जाए भैया, यही हम भगवान। अच्छा, क्या किया गया उनको? फंसाया गया है, अब क्या बोलेंगे, फंसाया गया, ये तो सब जानते हैं, ये आप क्या बोलेंगे। जो भी मनीष का सबके और बागेश्वर बाबा के फैन हैं वो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि इनका जल्द से जल्द हो जाए। पीछे घूमे तो आप दिखाइए कि लिखा हुआ यहाँ पे कि मनीष भैया को जल्द से जल्द रिहा करो, और उसके बाद ये जेल के अंदर का ऐसा है और थर्ड भाइये जा रहे हैं यहाँ से केदारनाथ होते हुए बागेश्वर धाम भी गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि बागेश्वर बाबा के साथ सेकेंड टूर में बागेश्वर बाबा के साथ है, फर्स्ट टूर में कोलकाता से निकले हैं। आप ये भी है कि इनको अगर कभी आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी इनका चैनल है, आप फोन पे भी कर सकते हैं, 9841484955 है। आप अगर इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से जाएंगे केदारनाथ जाएंगे, तो इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं, आप इनको फोन पे भी कर सकते हैं। अच्छा, डायलॉग कौन सा है माउंटेन मैन जो बिहार में है उसका डायलॉग आपको याद है? सर ने बोले थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम बोलेंगे जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, और मनीष कश्यप भैया के लिए बोलेंगे जब तक मनीष कश्यप भैया जेल से निकलेंगे नहीं तब तक ऐसे ही हम चलते रहेंगे। ओके। कब यात्रा शुरू किए थे? मैं 25 तारीख को शुरू किया, आज 6वां दिन चल रहा है, 5 दिन हो गया। इतना ताकत कहाँ से आया आप? भगवान देती है, भगवान देती आज है। जो सच्चाई के साथ देता है वही सब सपोर्ट मिलता है सबसे। तो अभी आप कुशेश्वर स्थान से इधर आ रहे हैं, गए थे कैसे, पहला टूर कैसे निकले थे? पहला टूर इसी यही रास्ता से गए थे। कहाँ गए थे? बागेश्वर धाम, MP मध्य प्रदेश। अच्छा, सरकार, बागेश्वर सरकार से आपकी अर्जी लगी थी? हाँ, लगी थी अर्जी, मेरा पुर्जा भी है घर पर है। वो क्या बोले? वो तो नहीं बोलेंगे हम, नहीं बोले। अच्छा दिन आएगा, यही अच्छा दिन आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इंडियन फ्लैग लगाए हुए हैं, और उसके बाद ये एक बैग रखे हुए। खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सब होटल में सादा भोजन नहीं होता है, और मैं तो सादा भोजन खाता हूँ। बहुत आदमी महादेव के भक्त हैं। हाँ, महादेव सबसे बड़ा भक्त हूँ, हनुमान बाबा का, उसका बाद महादेव, मैं सब भगवान का भक्त हूँ, उसका सबसे बेसी मानता हूँ हनुमान बाबा को। अच्छा, रास्ते में आपको खर्च ज़्यादा होता है? हाँ। तो ऐसा पब्लिक को से सपोर्ट लेना? हाँ, चाहते हैं? नहीं, पब्लिक मुझे सपोर्ट देता है। तो फोन पे नंबर अपनी तरफ से बताते हैं कि पब्लिक अगर सपोर्ट करे तो आप बता सकते हैं, आप अपना फोन पे नंबर यहाँ दिया हुआ है। दिया हुआ, बोल दीजिए एक बार माइक पे, 9641840955। अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो फोन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, सबके आप फैन हैं तो वीडियो में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाहर आएँ। ये देखिए कितने बड़े भक्त हैं जो बंगाल से चलकर मनीष कश्यप के लिए हरिद्वार के जा रहे हैं। कब तक है, कई दिन का सफ़र रहेगा? अभी भी 20-25 दिन लगेगा क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 10-15 दिन नहीं हुआ बागेश्वर धाम से आए हैं, वहाँ बाबा से मिलकर 10-15 दिन भी नहीं हुआ, 10 दिन घर पर रुके हैं, वो भी घर पर रुके हैं, तो मेरा छोटा सा कराटे स्कूल है, वो वहाँ क्लास कराना होता है,
तो रेस्ट नहीं हुआ, फिर चलते हैं लगातार सफर करते आ रहे हैं। तो तबीयत से आगे कलकत्ता जो गए थे वही 10-15 दिन के गैप था, बेसी गैप नहीं हो रहा है तो रेस्ट नहीं हुआ तो भी चलते हैं। जब तक भैया निकलेंगे नहीं तब तक शांत नहीं होंगे। अच्छा, पर डे कितना चलते हैं? पर डे जब बागेश्वर धाम गए थे तो 185-80-70 ऐसे प्रतिदिन में 1500 किलोमीटर है, 18 दिन में कंप्लीट कर दिए थे। हाँ, और अभी 300 किलोमीटर चला है, मतलब 85-80 दिन किलोमीटर। हाँ, 300 किलोमीटर चला है, 300 से ज्यादा ही होगा। हाँ, 5 दिन हो गया। ओके, कब सफर स्टार्ट किए थे? 25 तारीख को। आज 6 दिन चल रहा है। 300 किलोमीटर आ गए, 350 किलोमीटर आ गए। देखिए, ऐसे भक्तों के लिए आप वीडियो को शेयर करिए। जुड़े रहे उम्मीद 27 के साथ। धन्यवाद।